नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शिक्षापुर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस टेस्ट में हम एग्रोनॉमी के प्रश्नों का मॉक टेस्ट करने वाले हैं। इसमें दोस्तों हम देखेंगे कि कौन कितने कम समय में कितने अधिक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाता है। तो चलिए दोस्तों टेस्ट को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है। इसका सही जवाब है झांसी में। ऑप्शन सी इसका सही है। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कब स्थापित हुआ था। इसका सही जवाब है 1873 में। ऑप्शन ए इसका सही है। अगला प्रश्न है, भारत को कितने उप कृषि पारिस्थितिक क्षेत्रों में बांटा गया है। इसका सही जवाब है 60। ऑप्शन सी इसका सही है। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष में वर्तमान में प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र है। इसका सही जवाब है 0.05 हेक्टेयर। ऑप्शन डी इसका सही है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मौसम वेधशाला स्थित है। इसका सही जवाब है पुणे में। ऑप्शन ए इसका सही है। अगला प्रश्न है, भारत के कितने भाग पर जलमंडल पाया जाता है। इसका सही जवाब है 71%। ऑप्शन बी इसका सही है। अगला प्रश्न है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कब स्थापित हुआ था। इसका सही जवाब है वर्ष 1875 में। ऑप्शन बी इसका सही है। अगला प्रश्न है, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना हुई थी। इसका सही जवाब है वर्ष 1988 में। ऑप्शन बी इसका सही है। अगला प्रश्न है, भारत में इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना की गई थी। इसका सही जवाब है वर्ष 1955 में। ऑप्शन सी इसका सही है। अगला प्रश्न है, ऐसी फसल कौन सी है जिसे कम से कम 8 घंटे प्रकाश की आवश्यकता होती है। इसका सही जवाब है जौ। ऑप्शन डी इसका सही है। अगला प्रश्न है, फलों वाली फसलें हैं। दोस्तों, आपको बताना है कि इनमें से कौन फलों वाली फसलें हैं। इसका सही जवाब है ये सभी। ऑप्शन सी इसका सही है। अगला प्रश्न है, देश को योजना आयोग ने कितने जलवायु क्षेत्रों में बांटा है। इसका सही जवाब है 15। ऑप्शन सी इसका सही है। अगला प्रश्न है, देश के कुल कितने कृषि पारिस्थितिक क्षेत्र हैं। इसका सही जवाब है 21। ऑप्शन बी इसका सही है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, पीएच मान के आधार पर लवण प्रतिरोधी पौधा है। इसका सही जवाब है जई। ऑप्शन ए इसका सही है। अगला प्रश्न है, सस्य विज्ञान क्या है। इसका सही जवाब है, सस्य विज्ञान विज्ञान और कला दोनों है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन डी इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, सस्य विज्ञान के पिता हैं। इसका सही जवाब है पीट्रो डे क्रेसेंजी। ऑप्शन ए इसका सही है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय
कृषि आयोग का गठन हुआ था? इसका सही जवाब है वर्ष 1971 में। ऑप्शन ए इसका सही है। अगला प्रश्न है, ICAR की स्थापना हुई थी? इसका सही जवाब है वर्ष 1929 में। ऑप्शन सी इसका सही है। अगला प्रश्न है, भारत की मुख्य खाद्य फसल है? इसका सही जवाब है धान। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में रबर का उत्पादन सबसे अधिक होता है? दोस्तों आपको इनमें बताना है कि किस राज्य में सबसे अधिक रबर का उत्पादन होता है। इसका सही जवाब है केरल में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, उत्पादन की दृष्टि से भारत में चाय पैदा करने वाला प्रथम राज्य है? इसका सही जवाब है असम। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। दोस्तों आप सभी को बता दें कि हमारे YouTube चैनल पर समस्त कृषि प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। यहाँ पर दोस्तों आपको सभी विषयों का, कृषि के सभी विषयों का अलग अलग क्लासेज बेसिक से हाई लेवल तक मिल जाएगी। हमारे YouTube चैनल पर दोस्तों कृषि प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कराने के साथ साथ कृषि से संबंधित बिजनेस के बारे में भी जानकारी दी जाती है। और दोस्तों आपको बता दें कि आज के प्रश्नों का आंसर की के साथ PDF डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। टेलीग्राम चैनल के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से जाकर के आप टेलीग्राम पर जुड़ जाइए और वहां पर आपको सभी विषयों का नोट्स PDF आपको मिल जाएगा और जितने भी टेस्ट हो रहे हैं उन सभी का आंसर की के साथ PDF मिल जाएगा और प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के भी पेपर आपको मिल जाएगा। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, विश्व में दालों का सबसे अधिक क्षेत्रफल है? इसका सही जवाब है भारत में। ऑप्शन ए इसका सही है। अगला प्रश्न है, विश्व में तंबाकू उत्पादन की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? दोस्तों इसका सही जवाब है तृतीय स्थान है, थर्ड स्थान है। तो दोस्तों ऑप्शन सी इसका सही है। अगला प्रश्न है, भारत में दलहन का सर्वाधिक उत्पादन होता है? दोस्तों इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन ए इसका सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्पादन की दृष्टि से भारत में काफ़ी पैदा करने वाला प्रथम राज्य है? इसका सही जवाब है दोस्तों कर्नाटक। ऑप्शन बी इसका सही है। तो दोस्तों आप सभी आज के टेस्ट में कितने प्रश्नों के जवाब जानते थे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों हम टेस्ट में और क्या सुधार कर सकते हैं और आप सभी को क्या अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में वो भी बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों के पास शेयर करना। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक लिए बाय, जय हिंद।